नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी क्षेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल से दो दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमांत इलाकों के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा के स्थिति की करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख MM नरवणे भी होंगे साथ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने वंदे भारत मिशन को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा हवाई यातायात के लिए फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ बातचीत अग्रिम चरण में। 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होगी उड़ानें। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। पौधरोपण कर की जा रही है प्रकृति की पूजा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की हरियाली को बढ़ाने में सहयोग की अपील। और मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में जताई भारी बारिश की संभावना। देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है भारी बारिश। बाढ़ की आशंका को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन सतर्क। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमांत इलाकों का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख MM नरवणे भी होंगे। इस यात्रा के दौरान वे पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ उत्तरी सेना के कमांडर सहित कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भी होंगे। चीनी घुसपैठ के बाद रक्षा मंत्री की ये लद्दाख की पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अटल दर्रा भी जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वंदे भारत मिशन को लेकर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कुल 6,87,000 फंसे हुए भारतीयों को 15 जुलाई तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम दो देशों के बीच हवाई यातायात कॉरिडोर स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए कम से कम 3 देशों फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ बातचीत के अग्रिम चरण में हैं। एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। And in the case of one we have signed formally, let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France and Paris between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकृति पूजा के इस पर्व पर लोग पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने रायपुर में स्मृति वन स्थल का उद्घाटन करने के साथ प्रख्यात लोक गायक दिवंगत जीत सिंह नेगी जी की स्मृति में बरगद का पौधा लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्यता के अनुसार हरेला के दिन लगाए गए पौधे 100% जीवित रहते हैं। प्रदेश में इस दिन राज्य के अवकाश होता है ताकि ज्यादातर लोग राज्य की हरियाली को बढ़ाने में सहयोग दे सके। कुमाऊं मंडल में त्यौहार बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है और वहाँ पर आम आदमी भी इस दिन वृक्षारोपण करता है। ये मान्यता है कि हरेला के दिन जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो 100% जीवित रहते हैं, ऐसी मान्यता है हमारी। और इसलिए हमने इस पर्व को स्टेट का राजकीय पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया। राजकीय अवकाश भी आज के दिन घोषित किया ताकि अधिकतम लोग इसमें सहभागी बन सकें और राज्य की हरियाली की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना महामारी और उसके कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने के चलते इस वर्ष देहरादून जिले में 2,75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस बार लक्ष्य से ज्यादा रिकॉर्ड यानी 3,50,000 पौधे लगाए गए हैं। ये पूरे प्रदेश का वृत्तांत तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन देहरादून जिले में अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर 3,06,000 और 3,07,000 क्रॉस कर गया है। 2,75,000 का लक्ष्य 1 घंटे का रखा था, अभी 44 मिनट हो रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में आज इसी तरह से
वृक्षारोपण किया जा रहा है व्यापक स्तर पर। 2.5 करोड़ पौधे केवल जो वन विभाग है हमारा उसके द्वारा रोपित किए जाएंगे, और जो लोग स्वयंसेवी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो अलग है। हरेला पर्व पर बागेश्वर में जिला कार्यालय समेत वन विभाग के कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी से जल संवर्धन के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को धरती को स्वच्छ रखने के लिए प्रधानमंत्री के जल संवर्धन के सपने को धरातल पर लाने का हर संभव प्रयास करना होगा। पुराने जमाने से कहावत चली आई है कि प्रकृति है तो हम हैं, वो एकदम सच है, और प्रकृति के बिना हमारा जीवन भी नहीं है। तो सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, पर्यावरण संरक्षण करें। चाहे छोटे छोटे हम प्रयास करते हैं, थोड़ा पानी बचाने की तरफ सोचें, बिजली बचाने की तरफ सोचें, पेड़ लगाने की तरफ सोचें, तो हम छोटे छोटे प्रयास करके एक बहुत बड़ा योगदान अपनी प्रकृति को दे सकते हैं। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के बोर गांव में भी प्रदेश वापस लौटे प्रवासियों ने हरेला का त्योहार मनाया। इस पर्व को मनाते हुए प्रवासी पंकज कुमार ने तैयार किए गए बगीचे में सबने मिलकर बड़े ही उत्साह से नींबू की कई प्रजातियों के 100 से ज्यादा पेड़ लगाए। किसान पंकज कुमार का कहना है कि वो पहले दिल्ली में मोबाइल कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अपने घर वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव में बंजर पड़ी भूमि पर दूसरे प्रवासियों के साथ मिलकर काम शुरू किया और आज हरेला के मौके पर पौधों का रोपण किया। दूरदर्शन के माध्यम से मुझे पता चला कि वृक्षारोपण के बगीचों पे काफी काम कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके थ्रू मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा करके ये वृक्षारोपण का काम अपने गांव में कर रहा हूं। और गांव में हमारी काफी जमीनें हैं, तो उस जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी उन बंजर जमीन को का मैं सदुपयोग करके उसको दोबारा से उपजाऊ कर रहा हूं, और फल फूल इस टाइप के मैं जो है पेड़ लगा रहा हूं। प्रवासी नवीन रावत का कहना है कि जब नौकरी छोड़कर गांव आए तो रोजगार को लेकर काफी चिंता सताने लगी थी, लेकिन पंकज के बगीचे को तैयार करने में अपना योगदान देकर वो अब काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, परेशानियां हुई और काम सही तरीके से नहीं चल पाया, जिसके लिए हम अपने गाँव आ गए और गाँव आके यहाँ पे काफी सारी बागवानी तैयार की गई है और हमें रोजगार मिला है, जिसके चलते हम काफी तरह के पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं और काफी दिनों से हम काम कर रहे हैं। आज हरेला त्योहार के मौके पे यहाँ पे हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे पेड़ हमने आज लगाए। ग्राम रोजगार सेवक प्रवेंद्र दर्शन का कहना है कि गांव के लोग बगीचे और खेती बाड़ी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बगीचा निर्माण के लिए इन लोगों को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें प्रवासी लोगों ने पहले गड्ढे करवाए थे इनसे, जो कि मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है। उद्यानीकरण का कार्य जो है हरेला पर्व के मौके पर मनाया जा रहा है यहाँ पे। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में इस बार कोरोना संक्रमण के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सका। विश्व प्रसिद्ध ये धाम धार्मिक ही नहीं पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल यहां देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया। उपजिलाधिकारी मोनिका की उपस्थिति में मंदिर परिसर में पौधरोपण और हवन कर श्रावण मास की पूजा को सम्पन्न किया गया। ये आज चूंकि हमारा हरेला पर्व भी होता है पहाड़ी क्षेत्रों में जो मनाया जाता है सावन के शुभारंभ में, तो एक प्रतीकात्मक तौर पे, क्योंकि अन्य वर्षों में काफ़ी हम लोग बड़ा समारोह का आयोजन होता था यहाँ पे, जिसमें हम मुख्य अतिथि बुलाते थे और बड़े तौर पे इसका उद्घाटन किया जाता था। किंतु जैसे कि अभी सभी लोग को विदित है कि कोरोना काल पर बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हम नहीं कर सकते और फड़ वगैरह हम नहीं लगा पाए हैं, तो इस प्रकार एक सौहार्द के रूप में और एक यहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, उसके लिए हमने सावन मास का शुभारंभ वृक्षारोपण किया। महामृत्युंजय मंदिर के प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट ने बताया कि जागेश्वर धाम 124 मंदिरों का समूह है, जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि धाम में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया है। आज श्रावणी माह का शुभारंभ होने जा रहा है,
आज हमारी कुमाऊँ भर में हरेली का पर्व भी तो मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से पहली बार देखने को मिल रहा है कि श्रावणी माह का मेला नहीं लगेगा। यहाँ पर पूजाएं जो है पार्थिव पूजन शिवार्चन जो है ऑनलाइन किए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के द्वारा। भोलेनाथ को सप्तऋषि के सांप इस स्थान पर दिया गया था, तो यहाँ पर जागृत अवस्था में होने के कारण इस स्थान का नाम जागेश्वर पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने संभावना जताई है कि आने वाली 18 तारीख तक देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 2-3 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आप देखेंगे कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो प्रदेश में 2-3 दिन अभी जो मिलने वाली है। आज 16 तारीख है तो मैं कहूँगा 18 तारीख तक करीब करीब आप देख सकते हैं, देखेंगे कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो प्रदेश में अनेक जगहों तक में मिलेगी। साथ में जो भारी बारिश की अगर बात कर लें तो हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सीवियर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ एका दुक्का जगहों में भारी बारिश जो है, जैसे आप कह सकते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह आप बात करेंगे कुमाऊँ रीजन में तो उसमें नैनीताल और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें मैं कहूँगा एका दुक्का जगहों में भारी बारिश भी मिलने की संभावना इन 2-3 दिनों में है। मॉनसून के मौसम में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालातों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। हरिद्वार में लगभग 96 गांवों को बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है। वहीं शहर में ज्यादा बारिश होने पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए वाटर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी की तुरंत निकासी की जा सके। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। बाढ़ की स्थिति में ग्रामीणों को सामुदायिक भवनों और स्कूलों में शरण दी जाएगी। हमारे पास हर रोज जो है रिवर लेवल का सूचना आता, वो सूचना प्राप्त होते ही अगर खतरे का लेवल में आ गया फिर जो है कुछ इलाके को चिन्हित किया है। लगभग 96 विलेजेस ऐसे विलेजेस हैं जो संवेदनशील हैं। वहाँ पे प्रत्येक विलेज में उनका सुरक्षित एक भवन भी जो है आइडेंटिफाई किया है। वो एक सरकारी स्कूल हो, पंचायत घर हो, इस प्रकार का कुछ भवनों को आइडेंटिफाई किया है, उसको शेल्टर्स के रूप में रखे हैं। जैसे जैसे खतरे का सूचना आएगा वहाँ पे सायरन बजाया जाएगा, लोगों को जागरूकता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट्स किया जाएगा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स के माध्यम से, फिर लोगों को तत्काल वो शेल्टर्स में शिफ्ट होना चाहिए। केदारनाथ धाम के दर्शन करने आए 4 ट्रैकर वासुकीताल त्रियोगी नारायण पैदल ट्रैक पर बीते 13 तारीख से रास्ता भटकने के कारण लापता चल रहे हैं। लापता युवकों के दोस्त की शिकायत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि चारों युवक जहां भी हैं सुरक्षित हैं, लेकिन सही लोकेशन ढूंढने के लिए उन्हें वहां से धुआं करने को कहा गया है ताकि उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अभी ये तो नहीं लोकेट हो पाए कि वो कहां पर हैं, लेकिन वो चारों ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और उनसे कहा गया है कि आप जहां पर भी वहां पर अगर धुआं करें तो धुएं को देख करके जो हमारी एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी है और स्थानीय लोग भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं तो उनको पहुंच पाने, वहां तक पहुंच पाने में सरलता होगी और उनको रेस्क्यू किया जाएगा। सत्य है कि वो रास्ता भटक गए, उनको ट्रैक पता नहीं था, वो रास्ता भटक गए तो उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी हमने ड्रोन के माध्यम से वहां पर प्रयास किया था, हमने कहा अगर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है तो हेली सेवाएँ भी ली जाएँ और उनको किसी तरह से भी उनके घरों तक सुरक्षित पहुँचा। मामले पर रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने भी जानकारी दी कि चारों युवक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन संपर्क स्थापित होने पर वे ठीक से अपनी लोकेशन नहीं बता पाए हैं। पुलिस अधीक्षक ने चारों युवकों को जल्द लोकेट करने की संभावना जताई। आज एक चीज ये हुई है कि उनमें से एक ट्रैकर का फोन सिग्नल में आने की वजह से लग गया और उसके द्वारा बताया गया कि वो सकुशल हैं चारों, और उनको हमारे द्वारा ये हिदायत दी गई कि वो जहाँ पे हैं वहाँ पे थोड़ा आग जला के धुआं करें जिससे कि हम उनको लोकेट कर सकें। अभी ये प्रयास जारी है, अभी पांचों टीमें धुआं देख नहीं पा रही हैं,
और जैसे ही कहीं हमें धुआं मिलेगा दिखता हुआ, उधर ही सारी टीम मूव करेंगी और प्रयास रहेगा कि आज शाम होने से पहले पहले हम उनको रेस्क्यू कर लें। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से दो दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमांत इलाकों के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा की स्थिति की करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख MM नरवणे भी होंगे साथ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने वंदे भारत मिशन को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा हवाई यातायात के लिए फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ बातचीत अग्रिम चरण में। 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होंगी उड़ानें। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। पौधरोपण कर की जा रही है प्रकृति की पूजा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की हरियाली को बढ़ाने की में सहयोग की अपील। और मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में जताई भारी बारिश की संभावना। देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है भारी बारिश। बाढ़ की आशंका को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन सतर्क। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।